एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी, वेलकम टू माय चैनल अंकितास विजन। तो फटाफट से जाकर के यूजी वाले अपना सीएसएएस पोर्टल को लॉगिन करो और वहां पे आपका रिजल्ट आ चुका है, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सीएसएएस पोर्टल पे अपना लॉगिन करके देख लेना। बच्चे का मैंने एक रिजल्ट डाउनलोड करके देख रखा है, तो अभी उसको सीट अलॉट हो चुका है, तो आप लोग फटाफट से जाओ। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो ये मैंने फटाफट से आपको नोटिस दे दी है, जाओ और चेक करो और बताना कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। प्लस आपको प्रोग्राम भी लिखना है और वो लिख करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि मैं थोड़ा सा आइडिया लगा पाऊं कि थर्ड राउंड आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोग फटाफट से आप मुझे बता देना कि आपको कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज और कौन सा प्रोग्राम मिला है, और मुझे ये भी बताना कि आप जो प्रोग्राम चाह रहे थे वो वही मिला है या फिर आप प्रोग्राम कोई दूसरा चाह रहे थे, आपको कोई दूसरा प्रोग्राम मिला है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन करके बैठी हुई हूँ, अभी ये लाइव है, आप सीएसएएस पोर्टल पे जाकर के आप उसको लॉग इन करके देख लो, लाइव है। जिसका सीट अलॉट हो रहा है उसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको वहां पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर लेनी है सीट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका मैसेज चला जाएगा डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप तक मैसेज पहुंचा देगी एक पेमेंट का चालान आपका जनरेट हो जाएगा, और वो जनरेट होकर के आपको उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद इनकेस आपका अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका थर्ड राउंड आने वाला है। क्योंकि अपग्रेड करने का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका आगे कोई रिजल्ट आएगा। तो अगर वो थर्ड राउंड में, क्योंकि स्पॉट राउंड में ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्पॉट राउंड में आपका अपग्रेड का, अगर आएगा अपग्रेड का तो वो आपका आगे का प्रोसीजर नोटिस आ जाएगा, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा तो कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं कि थर्ड राउंड आने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन आप एक बार अपना कट ऑफ मुझे बता दोगे, कट ऑफ के साथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रोग्राम और कौन सा कॉलेज मिला है और कितने नंबर पे, तो मैं आइडिया भी आपको दे दूंगी पूरी तरह से कि आपका थर्ड राउंड यहां पे आएगा या फिर नहीं आएगा। अभी लाइव है, जाओ और देखो और मुझे बताओ कि किसका किसका एडमिशन हुआ है, किसका किसका नहीं हुआ है। प्लस अगर आपको यहां पे एडमिशन के लिए चाहिए कि आपको मतलब हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे कि मैम हॉस्टल का क्या प्रोसीजर है, यहां पे हॉस्टल का आएगा या नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप जाओ, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप इसी चैनल पे एक बार गो थ्रू कर लो। देखो चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ, इसमें क्या ही करना, देखो कुछ भी ऐसा करना नहीं होता कि ना ही कोई फीस देनी है आपके एडमिशन के लिए, ना ही हमें कोई फीस लेनी है, ना ही कुछ। आपको सिर्फ एक बेल आइकन और सब्सक्राइब पे क्लिक करना होता है, जिससे कि आपको एक अपडेट है जो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। प्लस आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड जब भी कोई फॉर्म आता है कुछ भी, तो उन सबके रिलेटेड हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अभी मैं पोर्टल ओपन करके बैठी हुई, इसमें बच्चे बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे जो हॉस्टल का प्रोसीजर है वो क्या है। हॉस्टल का प्रोसीजर के लिए एक वीडियो मैंने पर्टिकुलर अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को जाकर के देख लोगे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बारे में ऐसे नाम से, टाइटल के नाम से वीडियो अपलोड किया है, फटाफट से जाकर के उसको गो थ्रू कर लेना। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के लिए वहां पे लिंक आई हुई है, आपको वहां पे सिर्फ एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वहां का हॉस्टल बहुत अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बहुत अच्छा है, ये मैं आपको क्लियरली बोलूंगी क्योंकि मैं जाकर के प्रॉपर देख चुकी हूं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि भाई आप वहां पे जाकर के उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। जो गर्ल्स है वो गूगल फॉर्म को कल तक का फिल कर दे, मतलब 26 अगस्त तक का, 26 अगस्त तक का, और जो बॉयज है वो अपना 31 अगस्त तक का अपना जो गूगल फॉर्म है हॉस्टल का वो फिल कर दो। और जो वो लिस्ट है मैंने आपको अपलोड कर दी, आप फटाफट जाकर के हमारा चैनल पे जो वीडियो पड़ा हुआ वो देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आप लोग अपना लाइव जो है आपका रिजल्ट वो देख लो जाकर के, और मुझे बताना कि किन किन बच्चों को अभी यहाँ पे मिल चुका है और किन किन बच्चों को नहीं मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपका थर्ड राउंड का अनुमान लगा करके बता सकती हूँ। प्लस जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम यहाँ पे जो एलोकेशन का हमारा प्रोसीजर है, हम अगर आपको अपग्रेड कर देंगे तो क्या हमें फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, तो नहीं। आपको जैसे आपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करने पर जब रिजल्ट आएगा, जो वो कॉलेज आएगा, वो कॉलेज की जितनी फीस होगी, आपने पहले जितनी फीस दे चुकी होगी वो एडजस्ट हो जाएगी, वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फीस कोई भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से जाओ, आप देखो, इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मुझे सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताओ किनका किनका नाम आया है और किन किन बच्चों, कितने कितने मार्क्स पे बच्चों को एडमिशन मिला है, तो फटाफट से जाकर के आप बता दो। फिलहाल जिस बच्चे का मैंने ओपन कर रखा है इसको हिंदी मिला है और बढ़िया कॉलेज मिल गया है फिलहाल। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।